मैं हानिया से कहने आया था कि शादी कर लो मुझसे। ये भरम था मेरे पास तुम हो। तो खुश नहीं है? पोर्टफोलियो में 25% का राइज आया है इन अबाउट 15 डेज, एंड लुक एट योर ब्लडी एक्सप्रेशन यार। मैं बहुत अमीर हो गया हूं ना। कोई शक? ये इशा कब नहीं जाएगा सलमान? वो मुझे छोड़ के जाते हुए मेरे अंदर इतनी गुर्बत छोड़ गई कि अब वो गुर्बत मुझे अमीर नहीं होने देती। एक बार मिल लो उसको प्लीज। रूमी भी यही चाहता। आज नाश्ते पे यही बात हो रही थी। वो बच्चा है ना, इसलिए मैं उसको ठीक से बता नहीं पाया कि महविश के बगैर मैं जी नहीं सकता, और मैं जिया भी नहीं। जब वो छोड़ के गई तो मैं मर गया फौरन। और ऐसे मरने में डॉक्टर नब्ज देखकर या आंखें चेक करके नहीं बताता कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। पर सच ये है कि मैं बहुत देर इस दुनिया में नहीं रहा। मैं मर गया था कसम से। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है कि मैं फिर से जिंदा हो गया। अगर हो गया हूं तो जीने दो यार। पहले वो छोड़ के गई तो मैं मर गया, और अब वो मिलने आएगी तो मर जाऊंगा। Stop it, please. This मोहब्बत is not your bloody stock market. मैं एक बार भाव गिर गया तो बस गिर गया। अरे वाह, बड़ी टाइमिंग सेट की है। टाइमिंग मतलब? अब मुझसे छुपाओगे? क्या छुपाऊंगा? ऊपर बुला लो ना, हमसे कोई पर्दा है यार। पर्दा? किसको ऊपर बुला लूं? वो नीचे पार्किंग में खड़ी है तुम्हारी गाड़ी के पास। उसे कहो यहां से चली जाए। चाहती थी कुछ देर तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ी रहूं, महसूस करूं कि तुम इस बड़ी गाड़ी में बैठकर कैसे लगते हो, देखूं कि तुम कितना आगे निकल गए हो और मैं कितना पीछे रह गई हूं। पर आयशा ने मुझे देख लिया। वो देख ना लेती तो मैं माफ़ीनामा लिखे बगैर चली जाती। मुझे कहना ना पड़ता कि बिना इजाज़त आने के लिए सॉरी। बात की थी मैंने तुम्हारे पापा से। बदमाश, तो तुम मेरी शादी कराओगे उनके साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? सॉरी।
वाह, अब सॉरी भी बोल दिया। वो एक्चुअली शादी नहीं कर सकते, जो मामा को माफ करेंगे तो फिर करेंगे शादी। तो अगर मामा को माफ कर देंगे तो किसी और से शादी क्यों करेंगे? आप नहीं समझोगी, वो कहते हैं मामा को भूल जाएंगे तो फिर मामा को माफ़ी मिल जाएगी। उनसे मामा को बुलाया नहीं जा रहा, आप किसी और से शादी कर लो। उदास बैठा था यार, मैंने सोचा पूछ लूं। क्यों, स्टूडेंट है मेरा? क्या वो एक स्टूडेंट है तुम्हारा? सिर्फ उसी की बातें क्यों करती हो? बिकॉज ही इज वन ऑफ माई फेवरेट। अरे जाओ। जाओ मतलब? उसका बाप भी फेवरेट है तुम्हारा। अरे तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें खींच के उसकी तरफ ले जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम दिल की बात को ना दिमाग से सोचने लग गई हो, गलती कर रही हो। नॉट गुड फॉर यू। तारिक साहब आइए। पता है मैं क्यों आया था? बताइए। सुनकर बुरा लगेगा आपको। ये कैसे बता आपको? क्योंकि मुझे लग रहा है इसलिए। पहले मैंने सोचा था कि आपको देखते ही फट से कह दूंगा, लेकिन कहा नहीं गया। ट्राई इट नाउ, बुरा लगेगा तो कहूंगी, बुरा नहीं लगा। आपने चाय का कहा था, पूछिए आए कब आएगी। लीजिए जनाब, शायद हासिल है। मैंने देखा आप छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी, तो आप भी बैठिए ना, आपके सामने बात करूंगा। हानिया से कहने आया था कि शादी कर लो मुझसे। एक मिनट, घबराइए मत, कहने आया था बस, लेकिन कहा नहीं मैंने। वो दरवाजे पे पहुंच के माइंड चेंज कर लिया था मैंने। मुझे लगा कि मैं विश से बदला ले रहा हूं। वैसे मैं बदला लेना भी चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि मेरी शादी का सुन के बहुत तड़पेगी वो। तो क्या है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए ज्यादा तड़पेगी। ये भरम था मेरे पास तुम हो।